अरे भाई आजकल ये प्याज के दाम क्या हो गए भाई, सुना है 200 रुपए तक हो गए। अभी 200 रुपए का अगर प्याज हो गया तो इसके साइड इफेक्ट्स भी तो होंगे ना, तो चलिए देखते हैं। आपके लिए लेकर आए हैं प्याज के साइड इफेक्ट्स। अरे डांडे साहब, हाँ आप मेरा वो बिल्डिंग का प्लान पास कर रहे हो यार, 15 माले का, क्या कर रहे हो? अरे मल्होत्रा साहब, अभी क्या है देखो, वो जो आपका प्लॉट है ना, उधर 12 माले का ऊपर का परमिशन मिलता ही नहीं है। ऐसा कैसा 15 करवा देने का? अभी कायदा भी स्ट्रिक्ट हो गया है, ऊपर तक जवाब देना पड़ता है। अरे ऊपर भी अपने बंदे बैठे हैं, तुम करो तो सही कुछ। अरे उसमें मेरा क्या फायदा है वो बताओ ना। अरे आपका फायदा है ना, करवाता हूँ, रुको। फायदा करेगा ये क्या है? लो पेशगी। अरे मल्होत्रा साहब, इसमें तो 15 के 18 माले का करा देगा। अभी तो साइन करो। ये लो आपका प्लान पास हो गया, चलो। हेलो, बघीरा स्पीकिंग। अरे कौन बघीरा भाई? तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है। ए? क्या बोल रहे हो भाई? मेरी बेटी? हाँ तुम्हारे कब्जे में। हाँ तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है, अगर उसे जिंदा देखना चाहता है तो पुराने बंगले के पीछे जो गटर का नाला है, जिसके बाजू में जो पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पर 2 गोनी कांदा लेके आ जाना। अरे भाया, इतना सारा प्याज मैं कहाँ से लेके आएगा? कांतिलाल सेठ, वो जो तिजोरी में जो भर भर के कांदा जमा करके रखा है ना, उसको निकाल और चुपचाप लेकर आ जाना, नहीं तो तेरी बेटी के टुकड़े टुकड़े करके बिना कांदे की बिरयानी बना के कुत्तों को खिला दूंगा, समझा? बेटा बेटा सुनो, मेरे जाने के बाद मेरी जायदाद आपस में बांट लेना। नहीं बापू, नहीं बापू, बापू आप जायदाद बड़े भैया को दे देना। पर बेटा। बापू रुको ना, लेकिन वो किचन में 5 बोरी कांदे की जो पड़ी है ना, वो मेरे मेरे नाम कर दो। बापू बापू बापू। But every moment is so special with you. Oh, thank you so much. I want to tell you something. What is it? Sit right. Baby, I love you. Will you marry me? ये क्या है? Diamond ring है. Exactly, ये diamond ring है. I expected a kanda ring. You fool. Kanda ring? पर ये princess cut है. I don't care कौन सा cut है. मुझे kanda ring चाहिए. बट कांदा रिंग तो मेरे बजट के बाहर है। अगर मुझसे प्यार करते हो तो तुम कहीं से भी कांदा रिंग लेके आओगे। बट कांदा रिंग पॉसिबल नहीं है। हट भिखारी। अरे भाई क्या हुआ? अरे मत पूछ यार, वही वाइफ के साथ झगड़ा, और क्या। पर क्यों? एनिवर्सरी भूल गया कल। ओह नो। इस पे तो नहीं है ना अभी। फिर तो अभी हुआ है क्या, उसके बाद क्या, मतलब तू कुछ सोच रहा है क्या, गिफ्ट लेके जाना कुछ? सोच रहा अभी, एनिवर्सरी भूल गया, मैं क्या क्यों, मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा। अभी देख, तू जो कश्ती में आज सवार है ना, उसमें मैं कल सवार था। मेरा एनिवर्सरी परसों था तेरे वाले में। हाँ। और मैं भूल गया। तो तू भूल गया। हाँ। तो अभी भाई भड़की थी, मैंने आज ऐसा चीज लेके आया ना, मतलब देखेगी ना, तो तू ये साल का क्या, अगले 5 साल तक अगर एनिवर्सरी भूल गया ना तो भी माफ कर दे। इयररिंग है, इयररिंग वही इतना महंगा वाला ना, डायमंड का यार। डायमंड डायमंड कौन देता है? डायमंड का जमाना गया भाई। ये देख, सबसे महंगा, इससे महंगा कुछ नहीं। वाह। तो एक काम कर, इसका ना अभी का भी फोटो निकाल और वाइफ को भेज, देख पटक से मैसेज आए। वो चौक के पास, वो पालकी झूला से उधर से ले ले, सबसे बेस्ट आइटम है, मैं बोल रहा हूँ, एकदम खतरनाक। तू पहले क्यों नहीं मिला है? थैंक यू सो मच। मेरा है।
ओके जा 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 चल सर थैंक यू थैंक यू अभी जाता हूँ भैया भजिया कितने गए आलू वाला 20 रुपए और प्याज वाला 1000 रुपए प्याज वाला 1000 रुपया हाँ सर भाव नहीं देखा आपने रोज बहुत महंगा है ना आलू भजिया ले लेते दो प्लेट आलू भजिया पड़े तो अभी लेक्चर की बात क्या है और सर थोड़ा थोड़ा टाइट हो सर जी 10 प्लेट कांदा भजी पैक कर दो कितना हुआ आपका हुआ 10000 प्लस 1800 जीएसटी बस चिंदी इसमें पेमेंट किसमें चाहिए बोल किसमें पेमेंट चाहिए क्रेडिट कार्ड या चेक वाओ क्रेडिट कार्ड ओ माय गॉड ही सो रिच ओ नो मैंने समझा तुझे जाने जिगर तू निकली प्याज जिगर और क्या बोलते भाई बस सब ठीक तू सुना क्या चल रहा है चल रहा है यार घर पे वाइफ वगैरह सब ठीक है सब ठीक है सब ठीक मम्मी पापा कैसे मम्मी पापा मस्त एकदम मजे में क्या हो गया भाई टेंशन अरे भाई को विदेश भेजना था लोन अप्लाई किया डिसअप्रूव हो गया यार लोन डिसअप्रूव हुआ हाँ तो घर पे प्याज है हाँ वो तो काफी टाइम पहले मम्मी ने स्टॉक करके रखा हुआ तो फिर घर पे अगर प्याज है तो फिर टेंशन काहे का क्यों उससे क्या होगा क्योंकि अब आ गया है कांदापुरम प्याज लोन कांदे के बदले लोन सिर्फ 10 मिनट में क्या बात कर रहा है यार सच में एकदम सच कांदापुरम प्याज लोन जब घर पे हो कांदा तो फिर काहे का वांदा हाँ तो देखा आपने कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं प्याज के बढ़ते दाम से तो जल्दी जल्दी वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ क्योंकि आप दोस्तों के साथ प्याज तो शेयर नहीं करने वाले इतना महंगा हो चुका है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए रेडियो सिटी इंडिया को